अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाथों और पैरों का स्याह रंग किस तरह सफ़ेद किया जा सकता है। लाइव डेमो भी दूंगी। बहुत ही आसान रेमेडी है जिससे हाथों और पैरों की स्याह उंगलियों का रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा, वो भी चंद दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी के लिए आपको जो तीन सादा चीज़ें चाहिए उनमें से है ग्राम फ्लोर, आपको बेसन चाहिए, उसके बाद टर्मेरिक, बॉयल मिल्क, एक कंटेनर जिसमें मिक्सिंग करना है आपने। तमाम चीज़ों को एक मिक्सिंग कंटेनर में बारी बारी डाल लें। एक टेबल स्पून ग्राम फ्लोर ले लें। ये हाथों और पैरों दोनों के लिए मास्क है। टर्मेरिक आपने एक चौथाई टेबल स्पून लेना है। टर्मेरिक वाइटनिंग एजेंट है और बहुत ही अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट देता है। सदियों से क्रीम्स में, उपटंस में इस्तेमाल होता आ रहा है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आपने ऐड करना है मिल्क, जो आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा, वाइटनिंग इफेक्ट देगा। चंद दिनों में बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने होगा, वाजिया फ़र्क आप देख सकेंगे। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करते हुए बात का ख्याल रखना है कि कोई भी गुठली अंदर ना रहे और तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं। इस पेस्ट को थोड़ा सा थिक रखना है, क्योंकि अभी हमने रोज़ वाटर ऐड करना है। ये रोज़ वाटर मैंने होममेड बनाया हुआ है, खुद बनाया है, जो कि बिल्कुल खालिस है। और रोज़ वाटर हमारी स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड करता है बहुत ही थोड़े अरसे में। नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तमाम चीज़ें नेचुरल हैं और बहुत ही जल्द आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। एक टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड किया है और ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब इस तरह मिक्स करना है आपने कि ये चीज़ें जो है यकजान हो जाए, कोई भी गुठली नज़र ना आए। साथ साथ चम्मच हिलाते हुए आपने चेक कर लेना है कि कोई गुठली रह ना जाए। ग्राम फ्लोर एंटी एक्नी एजेंट भी है, बहुत ही अच्छा। अगर फेस पर पिंपल्स का किसी को इशू है तो दिन में दो दफ़ा बेसन से मुंह धोने से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो सकता है। आजमूदा टोटका है। पेस्ट को मिक्स कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह यकजान कर लें ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना बचे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। उसके बाद एक ब्रश की मदद से आप इसको अप्लाई कर लें अपने हैंड्स पर। अच्छी तरह एक लेप लगा लें हाथों की उंगलियों पर, और स्याह जहाँ पर निशान है उधर भी हाथों पर बेसन की कोटिंग कर लें। ब्रश की मदद से बहुत स्मूथली अप्लाई हो रहा है, बहुत ही अच्छा है रिज़ल्ट। पहली ही एप्लीकेशन में आपके सामने होगा। लाइव डेमो मैं इसीलिए दे रही हूँ। बहुत आसान, नहायत सादा और सस्ता तरीका है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए और मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा नुस्खा हो जो बहुत ही आसान और सस्ता हो और इफ़ेक्टिव भी हो। एक हफ़्ता मुसलसल इस्तेमाल करने से वाजिया फ़र्क आपके सामने होगा। एप्लीकेशन हो चुकी है, 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ड्राई होने तक। ड्राई होने के बाद ये देखें, आपने इतना ड्राई करना है कि ये थोड़ा सा वेट वेट रहे, और उंगलियों की मदद से इसको रब करना शुरू कर दें। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक आप इसको रब करें। इससे हाथों की स्याही, डेड सेल्स जो हैं रिमूव हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक स्क्रबर भी है। फिफ्टीन मिनट्स तक यूं ही स्क्रब करती रहें अपने हाथों को। डार्क सर्कल्स के लिए बेसन की कोटिंग भी बहुत मुफीद साबित होती है।
बेसन एक्चुअली वाइटनिंग इफेक्ट देता है हमारी स्किन को, एंटी एक्नी एजेंट भी है। वॉश करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस आपके सामने है। ये पहले रिजल्ट में पहला रिजल्ट है पहली एप्लीकेशन के बाद। एक हफ्ते तक इस्तेमाल करने से आपके हाथ और पैर गोरे चिट्टे हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।